हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। मेरे साथ चलेगी? पागल हो गया तू? तुम्ही तो कहती हो अम्मा जी, एक विधवा दूसरी विधवा का सहारा होती है, उसकी सच्ची सहेली होती है। फिर हम दोनों भी तो सहेली ही हुई ना। ये जहाँ तुम जाओगी वहाँ हम जाएंगे। तक यहाँ तुम्हारे घर में एक साथ रहे, अब आश्रम में रहेंगे, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे हम अम्मा जी। ए, ए लड़की छोड़ छोड़, पागल जैसी बात मत कर, मुझे जाने दे। तो हम कहाँ रोक रहे हैं, जाओ ना, लेकिन हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे हम तुम्हें। अरे सोच ले लड़की, वहाँ का जीवन आसान नहीं है, बहुत कठिन जीवन है वह। आसान जीवन की तो आदत ही नहीं है हमें अम्मा जी, इसलिए जितनी भी परेशानी हो झेल लेंगे हम। हमारे पापा कहते थे मुश्किल से हारना मत बिटिया, हमेशा हिम्मत से सामना करना उनका, इसलिए सब झेल लेंगे हम अम्मा जी। तुम रहोगी ना साथ में तो कुछ भी नहीं होगा हमें। क्यों नहीं समझ रही तू? कैसे समझाऊं तुझे? ना ना ना, तू मेरे साथ नहीं चलेगी, मैं अकेली जाऊंगी, तू ना यहाँ आराम से रह। पता नहीं आश्रम में कैसे हालात होंगे, और फिर तुझे तो घर वाले बहुत प्यार करते हैं ना, तू क्या चलेगी मेरे साथ? तू तो यही बनी रहे। नहीं बस कह दिया ना, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, अब जो तुम्हारा हाल होगा वही हमारा हाल होगा। जिद्दी की जिद्दी, तो चल फिर मर मेरे साथ, लेकिन बाद में रो के बिलख के मत कहना कि अम्मा जी ने फंसा दिया। नहीं करेंगे शिकायत और रोएंगे भी नहीं, सच्ची। जलेबी प्रसाद, जलेबी प्रसाद हम जा रहे हैं, तुम यहीं पर ही रहो और हमारा पीछा मत करना, समझे? विधवा आश्रम की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, तुम नहीं झेल पाओगे जलेबी प्रसाद। जाने दो हमें और हमारा पीछा बिल्कुल भी मत करना, अच्छा? आराम से रहना घर पे। जलेबी प्रसाद, अब ये भी चलेगा हमारे साथ? ना समझाया हमने, मान ही नहीं रहा, हम क्या करें?